तो ऑलराइट गाइस, आज हम लोग ये पीछे वाले विलेज को चोरी करने वाले हैं। और मुझे कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला है कि भाई ये विलेजेस बहुत ही ज़्यादा अमीर है और इन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा पैसे ही पैसे होंगे। इसका मतलब समझ रहे हो ना गाइस, डायमंड्स ही डायमंड्स होंगे। लेकिन यार अभी अभी एक प्रॉब्लम है, अगर मैंने सुबह में चोरी की तो मुझे वो सिक्योरिटी गार्ड्स वाले पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे गाइस। इसके लिए मुझे रात में चोरी करनी होगी इस विलेजेस के अंदर, और रात का इंतजार करते करते तो यार बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक सामने घर बना लिया जाए, तो यार इन लोगों के घर के सामने खुद का घर बनाऊंगा और इन लोगों को पता तक नहीं चलेगा कि मैं इन लोगों के घरों में चोरी करने वाला हूँ रात में। तो गाइस यार मुझे तो वो सामने वाला जगह, हाँ यहाँ पे ये ठीक लग रहा है यार, यहाँ पे मैं अपना घर बनाता हूँ, जैसे लोगों के घर के सामने बनाऊंगा भाई लोगों को पता तक नहीं चलेगा कि मैं आया हूँ यहाँ पे और रात में चोरी करने वाला। तो भाई लोग, सेंटा क्लॉज की चड्डी बेच के मैंने अपना अच्छा खासा महल तो बना लिया है। मुझे पता है विलेजर के घर से थोड़ा बेकार ही है, लेकिन यार बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस घर है, आप अंदर तो जाके देखो गाइस, बहुत ज़्यादा बढ़िया घर है। छत नहीं है गाइस, कोई बात नहीं, हम लोगों को बस एक रात स्पेंड करना है यहाँ पे। तो गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ ना, यहाँ पे ना फिलहाल तो मैं रात को चोरी करने वाला हूँ, तो सुबह में जाके सो जाता हूँ यहाँ पे। तो फिर चलो यार, दिन में मस्त सोएंगे, अपना नींद लेंगे और रात में चोरी करेंगे गाइस। चलो फिर, गुड नाइट गाइस। अभी इतने रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो, मेरा नाम है शिनचैन। विशाल जल्दी उठ जाओ, रात हो चुकी है, तुम्हें चोरी करना है ना? अबे हाँ, थैंक यू। अबे तू कहाँ से, तेरे को कैसे मालूम पड़ा मैं चोरी करने वाला हूँ? पहले तुम चोरी तो कर रहो, वरना फिर सुबह हो जाएगी। तो गाइस यार अभी अभी हम लोगों को शिनचैन का कॉल आया था और फिर उसने हम लोगों को जगा दिया फाइनली सही टाइम पे, वरना मैं तो भाई सुबह सुबह उठता मेरी नींद। तो गाइस फटाफट चलते यार, मस्त चोरी करेंगे, रात तो हो ही चुकी है, इन विलेजर को एकदम पागल बना देंगे भाई, एकदम हम लोगों के पास टाइम होगा भाई, मार डालेंगे सबको। चलो चलो, अबे ये गधा कहाँ से आ गया? अबे हट इधर से, भग, तेरे को नहीं दूंगा एक भी डायमंड्स। तो गाइस यार फाइनली ना यहाँ पे सामने एक घर है, इसके अंदर जाते, इसके अंदर मैंने सुना है भाई। लेकिन एक सेकेंड, मुझे ना इसी विलेजर ने बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे डायमंड्स होंगे और ये विलेज बहुत अमीर है, और मैं अभी इसी के घर से चुरा लेता हूँ भाई, बाद में इसको हिसाब देना, इसको थोड़े बहुत डायमंड दे के पटा लूंगा भाई। बाकी तो भाई यहाँ पे रात में बहुत सारे जॉम्बीज दिखेंगे यार, तो ये देखो भाई, देख रहे हो सामने इतने सारे जॉम्बी भाई। लेकिन मुझे ये विलेजर से बच के रहना होगा भाई, क्योंकि अगर ये विलेजर ने मुझे देख लिया कि मैं इन लोगों के घर में चोरी कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अबे भग भिखारी सारे, तेरे को नहीं दूंगा डायमंड, हट हट, सब मेरा डायमंड है भाई, सब भाई फटाफट इसके अंदर चुरा लेते एकदम। इसके अंदर तो भाई कुछ तो मस्त रहना चाहिए। ओके गाइस, मज़ा आ गया भाई साहब, इसमें से कुछ 10-15 डायमंड दे दूंगा उस लाइब्रेरियन को और बोल दूंगा किसी को बताना मत भाई, एकदम मज़ा ही आ जाएगा, फिर अमीर बन जाएंगे गाइस, फिर अपने घर को अपग्रेड करेंगे भाई। वो अपना घर है ना सेंटा क्लॉज की चड्डी बेच के बताई थी, बाद में सारे विलेजर्स का डायमंड वायमंड चुरा के वो सब बेच के अपने घर को अपग्रेड करेंगे और पूरे विलेजर में सबसे अच्छा घर अपना ही होगा गाइस। तो बहुत सारे डायमंड्स और एमराल्ड्स मिल रहे भाई, एमराल्ड्स तक मिल रहे भाई, 9 एमराल्ड हो गए, इसका मतलब 9 एमराल्ड बेच के तब तो मैं अंबानी के टावर बना सकता हूँ भाई, क्या मस्त चीज़ हो गया भाई साहब हमारे पास। लेकिन गाइस यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये विलेजर्स खाली डायमंड्स क्यों रखते हैं यार, मेरे को तो थोड़ा नेदरराइट का स्वॉर्ड वॉर्ड भी चाहिए यार। कोई बात नहीं यार, लालच बुरी बला होती है। वैसे भाई डायमंड्स मिल गए और भाई सबसे रेयर चीज़ एन्चेंटेड एप्पल, ये खा के मैं गोकू बन जाऊंगा भाई। आओ आओ जॉम्बीज, तुम्हारा तो खेल खत्म है अब, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मारूंगा। वैसे तो गाइस यार नाइट के टाइम पे मुझे बहुत सारे लोग दिखने चाहिए पर कोई दिख नहीं रहा। एक सेकेंड, ये तो लामा है भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कि ना यहाँ पे आयरन गोलम को भी मार के खत्म कर दो, और उसका भी आयरन देखो देखो कैसे झाग रहा है। भग भग, एक भी डायमंड नहीं मिलेगा तुम लोगों को यहाँ से, सारा का सारा डायमंड मेरा है और मैं ही यहाँ का किंग हूँ। अबे साले ये तो सो रहा है, रुको गाइस फटाफट चुरा लेते इसके चेस्ट में से। अबे खाली चेस्ट कौन रखता है? अब तू गया भाई, बेटा तू गया, तू मरेगा, अब तू गया, देख रहे हो भाई, भाई खाली चेस्ट रखा है और मैं आया हूँ यहाँ पे और खाली चेस्ट रख के गया है ये बंदा। देखो गाइस वो देखो, चोर चोर वाले ज़ॉम्बीज आ गए यहाँ पे सारे डायमंड चुराने हैं, तुम सबको मारूंगा। अबे नहीं, इतने सारे भाई, ये क्या है? अबे भग भग भग, एक एक को मारूंगा, सबको मारूंगा, नहीं मिलेगा भाई, मैं मार नहीं पा रहा हूँ, मारो सालो जल्दी। अबे गाइस फटाफट मार दिया, यस, मैंने बोला था ना मैंने गोल्डन एप्पल खाया, मुझे कोई नहीं मार सकता, तुम सब बच्चे हो यार, तुम लोग क्या करोगे, जाओ 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 घर पे जाओ। अबे भाई साहब ये वाला मस्त वाला लग रहा है घर, इसके अंदर बहुत कुछ रहना चाहिए भाई, फटाफट। ओ भाई ये अंबानी, अच्छा अंबानी मैंने डटर उसे गाइस, फटाफट सारे ऑब्सिडियन और भाई एक और स्वॉर्ड मिल चुका है भाई, आर्मर भाई आर्मर, तो भाई मजा आ गया भाई आर्मर के साथ। तो यार फटाफट यहाँ से निकलते, अभी दूसरे घर में जाएंगे हम लोग। तो गाइस मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे, अभी देख रहे हो वहाँ पे भाई सब क्रीपर है, अभी निकलते यहाँ से फटाफट भाई, मेरे को सबसे ज़्यादा डर क्रीपर से लगता है भाई, वो घर वेर में घुस के फोड़ देगा। अबे रुको रुको रुको, पहले तो मैं ये दरवाज़ा बंद कर लूँगा, उसके बाद ये क्रीपर वीपर कोई आना जाए भाई, फटाफट लूटते इसके अंदर। ओके इसके अंदर भी बहुत सारे डायमंड्स यार, फिलहाल तो मेरे पास डायमंड्स गोल्ड्स और एमराल्ड्स बहुत ही ज़्यादा हो गए, तो इससे मैं अंबानी का घर खड़ा कर सकता हूँ। लेकिन यार यहाँ से निकलते फटाफट और आयरन गोलम को ढूंढते, क्योंकि उससे भी, अबे
ये भिखारी लोग कहाँ से आ जाए। भाई तेरे को नहीं दूंगा डायमंड, जाना भागना अब, जा अपने दोस्तों से मांग जाके, उनको लूट जाके भग। तो गाइस फिलहाल तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि आयरन गोलम मिल नहीं रहा, लेकिन यार आयरन गोलम से भी पहले मुझे फटाफट यहाँ से सब कुछ लूटना होगा, क्योंकि अगर जैसे भी गलती से भी सुबह हो गया ना भाई, तो ये लोग मेरे को पकड़ लेंगे और जितने भी रात की मेहनत है भाई वो सब चली जाएगी, मेरी बर्बाद हो जाएगी यार। तो यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी दिख रहे भाई साइड में, वो भिखारी वाला ज़ॉम्बी। अबे यार चेस्ट नहीं रखा यार मेरे लिए, अब तू तो गया बेटे, देख तू अब तू देख तू बस क्या करता हूँ मैं भाई। ये लोग भिखारी जैसे बोलते कि दे दो डायमंड, नहीं दूंगा जा, नहीं दूंगा जा। अभी गाइस एक सेकंड सामने है वो भाई, तो एक सेकंड तू मार कैसे रहा है उनको, मेरे भाई को कैसे मार रहा है तू? हाँ उसको सिर्फ मैं मारूंगा, समझा गया? तो चल बेटे चल। अबे नहीं 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 निकल भाई, मार देगा वो वे यार शिट। कोई बात नहीं गाइस, हम लोग आयरन गोलम से ज़रूर बदल लेंगे, हम लोग वापस आ चुके हैं हम लोग वो वाली जगह पे भाई। और जैसे ही थोड़ी देर के अंदर सुबह होने ही वाला है भाई, तो फटाफट मैं यहाँ से सारे अपने डायमंड वायमंड सब कुछ लूट लेता हूँ भाई। यहाँ पे आयरन गोलम की वजह से सब कुछ हम लोग का घूम हो गया था भाई, गिर गया था, बहुत ही मेहनत से मैं यहाँ पे आया हूँ भाई। और आयरन गोलम तू बचने नहीं वाला बेटे, तू देख बस अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तो गाइस यार ये बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ज़ॉम्बीज़ से लड़के एकदम कमज़ोर हो गया है, मैं क्या बोलता हूँ गाइस, इसको मार के भाग जाते डायरेक्ट, लेकिन मरेगा तो ये मेरे ही हाथ से। गाइस भागो भागो अब भागो गाइस भागो, मुझे नहीं पता भाई, निकल रहा हूँ मैं, मार के भाग गया अभी, बदला ले लिया है, बाद में जान मारूँ भाई इसको, जान से मारूंगा, उसके बाद लूट लूंगा इसका आयरन, उसके बाद मेरा पूरा बदला होगा, अभी तो फिलहाल मैं इसको मार के भागा हूँ। अभी ये सड़ा हुआ क्रीपर। तो भाई लोग मैं आयरन गोलम को चुपके से मार के भाग के आया हूँ, और मुझे यहाँ पे एक घर मिला और इसके अंदर हम लोग लूटने वाले भाई साहब। मुझे तो यहाँ पे भाई ये घर में आया नहीं हूँ अभी तक, मुझे इतना पता है भाई, फटाफट पहले यहाँ पे कवर कर लेता हूँ ताकि कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी नहीं हो, आराम से लूटते भाई। अरे वाह अब मजा आएगा गाइस, एनचांटेड एप्पल मिल चुका है भाई, 8-8 अब वो खा। अभी तू रुक जा, तू ये झाक रहा है गाइस, रुको अभी खाने दो खाने दो भाई, पूरा फुल कर लेता हूँ हेल्थ। और तू बेटा तू अभी रुक, बहुत बोल रहा है ना, ले ले भाई दो गोल, दो हाथ के भाई, दो स्वॉर्ड के लोग आ जाते भिखारी जैसा मांगने के लिए भाई, मेरे को भी दे दे। अभी रुको गाइस यहाँ पे, अब तू गया बेटा, देख गाइस हमारा बदला पूरा हुआ, यस हमारा बदला पूरा हुआ गाइज, हम लोगों ने मार दिया आयरन गोलम को और लूट लिया है सब कुछ। तो यस गाइज ऑल राइट गाइज, हमारा मिशन हो चुका है पूरा, हम लोगों ने मार दिया है आयरन गोलम को भी और सारे विलेजेस के सारे घरों को लूट लिया है। और फिर भाई यहाँ पे मैंने एक चेस्ट भी चुरा ही लिया है ये लोगों से। तो यार फटाफट हम लोग एक काम करते, हम लोगों ने जितना भी चीज़ लूटा है ना यहाँ पर, पहले बात तो भाई मैं इसके अंदर यहाँ पे चेस्ट रख लेता हूँ, उसके अंदर जितने भी चीज़ें लूटे हैं हम लोगों ने सब कुछ डाल लेता हूँ गाइज, तो जिससे कि क्या होगा, हम लोगों ने मतलब जितने भी चीज़ लूटे बाद में अपने घर को अपग्रेड करने के काम आएंगे भाई साहब ये सब। क्योंकि यार तुम लोगों को तो पता ही है हम लोग अंबानी का घर बनाने वाले, तो गाइज यार मैंने सब कुछ डाल ही लिया है भाई, गोल्डन एप्पल विप्पल सब कुछ डाल लिया है। तो गाइज मैं क्या सोच रहा हूँ कि वो जो विलेजर है, वो जो लाइब्रेरियन है, कि मैं उसको दे दूँ कि नहीं दूँ यार डायमंड, लेकिन अगर मैं उसको डायमंड नहीं दूंगा तो फिर वो सिक्योरिटी वालों को मेरा नाम बोल देगा। इसके लिए गाइज मैं क्या सोच रहा हूँ कि बेचारे के घर में ना जाके मैं थोड़ा बहुत डायमंड दे ही देता हूँ, क्योंकि यार मेरे को अफसोस हो रहा है, बेचारे ने मुझे बताया भाई यही है, देखो यार अभी चलो यार दया आ रहा है इसके ऊपर, दे ही देते थोड़ा बहुत डायमंड इसको, क्योंकि इसके वजह से ही गाइज हम लोग इतना अमीर बन चुके हैं आज, वरना तो हम लोग भाई हम लोग गरीब थे बहुत ही ज़्यादा। तो यार कुछ 40 डायमंड्स ले लिए मैंने, लेकिन यार 40 का 40 थोड़ी दूंगा भाई, फिर मैं क्या लूंगा यार, तो थोड़ा बहुत डायमंड इसको दे देंगे कोई बात नहीं। तो भाई ये ले भाई, तेरा काम किया है मैंने, तूने तो रख ये सब डायमंड्स, ठीक है ना, इतने क्या और चाहिए, अबे मारूंगा 10-20 लाख चुपचाप, फक फक इतना लिया है ना चुपचाप, इतना ही लेने का समझा ना। तो गाइस मैंने कुछ दो डायमंड फेंके नहीं ले रहा यार, थोड़ा बहुत डायमंड इसको दे देता हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं, इसने बस 4 डायमंड दूंगा, चल निकल चल, वो 4-5-6 हाँ 6 डायमंड रख, अमीर बन जा। चलो गाइस फिर आज के लिए इतना ही बस, जाता हूँ मैं भी, गुड बाय।